दशहरा मैदान में चल रही शिव महापुराण कथा में ब्रज नंदन जी महाराज ने घर में बेटी को सौभाग्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बेटा और सुपुत्र हो तो एक कुल को तो तारता है, जबकि बेटी दो कुलों को तारती है। ब्रज नंदन जी महाराज भगवान शिव की महिमा का बखान तो कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज को बेहतर और जागरूक बनाने के लिए भी संदेश दे रही हैं। शिव कथा सुनकर शिव भक्त भक्ति भाव में झूम उठे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा किया जा रहा है। कौन पूछता है बेटी? तारेगा कौन हमें? पिंडदान कौन करेगा? जल कौन देगा? बेटा पुत्र यदि सुपुत्र हो गया एक कुल को तारेगा, यदि पुत्री सुपुत्री हो गई तो दो कुल को तार देगी। ये हमारा शास्त्र है। इन बीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।